वॉक कर रहे हो उस टाइम में ना, जिसमें आप सेकंड टाइम पहुंच चुके हैं। हाँ, आपने सही कहा, ये मेरा सेकंड टाइम मैं इनके लिए वॉक करने वाली हूँ और मेरा एसोसिएशन फेमिना के साथ 1999 से है, जब मैं कंटेस्टेंट थी और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं रैंप वॉक ट्रेनर बन गई उन लोगों के लिए, एंड नाउ वॉकिंग फॉर देम। तो अच्छा लगता है कि ये लोग न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं और न्यू शॉपिंग मॉल्स में जो स्टोर्स हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं और हमें मौका मिलता है उन्हें प्रमोट करने को इनडायरेक्टली। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई होप कि मैं और चलती रहूँ और चलती रहूँ और चलती रहूँ उनके लिए। फिलहाल मेरे फैशन वीक्स चालू होने वाले हैं, लैक्मे फैशन वीक, प्योर फैशन वीक। मैं रैंप वॉक ट्रेनिंग कर रही हूँ, सारे जो विनर्स हैं मिस इंडिया उनको मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रैंप वॉक ट्रेनिंग कर रही हूँ। एक रियलिटी शो के लिए बातचीत चल रही है, तो बेसिकली हैंड्स आर रियली फुल राइट नाउ। एज अ फिलहाल तो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स पर्सन ने सारे हमारे काम ले लिए हैं एंडोर्समेंट के, बट आई होप कि इंशाल्लाह चाहे तो सब और आ जाएंगे काम। थैंक यू। आई माई गॉड, आपने एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन और डाल दिए। टू आंसर वुमेन एम्पावरमेंट, एक्चुअली इट्स दो हाथ से ताली बजती है। डेफिनेटली वी आर नोन टू बी अ मल्टी टास्कर और वो हमेशा हुआ करता था इंडिया में भी, बट अभी रिकग्निशन ज़्यादा मिल रहा है। आई कैन से आई एम एन एग्जाम्पल, मैं एक सिंगल मदर हूँ, एक सिंगल पेरेंट हूँ, मैं अपने बेटे को संभाल रही हूँ एंड आई एम स्टिल इन द ग्लैमरस फील्ड एंड आई एम ग्लैड कि मॉडलिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टेटस आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती एज लॉन्ग एज यू आर टैलेंटेड। 5 साल से अब मैं इतना लंबा पहले सोचती थी, अब सोचना बंद कर दिया है, बिकॉज यू नेवर से नेवर, यू नेवर नो, यू बी सरप्राइज विद लॉट्स मोर अपॉर्चुनिटीज। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट नाइस अपॉर्चुनिटी कमिंग माई वे। मॉनसून डेफिनेटली, अगर प्रोफेशन ने अलाउ किया होता तो मैं बाल शॉर्ट कर लेती, क्योंकि मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वेयर फ्लैट्स, वेयर समथिंग शॉर्ट, वेयर कॉटन टू बीट द लिटिल बिट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड जस्ट एंजॉय द वेदर। आई होप मॉनसून जल्दी आ जाए पहली बार। थैंक यू।